हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज है और मैं आईएस 2017 मेंस अभी कल देने वाला हूँ। ये वीडियो मैंने खुद के माइंडसेट को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया कि एग्ज़ाम से पहले मैं कैसे क्या सोच रहा था। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले इसमें बताना चाहूँगा कि मैंने क्या प्रिपरेशन किया, फिर मेरी कुछ गलतियाँ और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। सबसे पहले प्रिपरेशन, मैंने हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ किया। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे सब्जेक्ट के थे, उनको एक बार सॉल्व किया सभी को। और फिर टेस्ट सीरीज़, जितने भी टेस्ट सीरीज़ थे, मतलब एस और मेडीज दिए, वो सभी मैंने दिए। इन सभी टेस्ट सीरीज़ में मेरा रैंक अराउंड 50% था। मीन्स 100 स्टूडेंट में मेरा रैंक अराउंड 50 था। फिर गलतियाँ, मैंने कुछ गलतियाँ भी की हैं, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको सिर्फ एक ही बार पढ़ा है। इसमें प्रॉब्लम ही हो सकता है कि मैंने जब भी मैं मतलब क्वेश्चन पेपर देखूँ, उसमें मुझे कुछ क्वेश्चन दिखे जो कि पिछले साल के हों, तो फिर मैं उनको अटेम्प्ट करने जाऊंगा। और अगर वो नहीं बने तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही बार किया है। और अगर यही मैंने एक और बार किया होता तो फिर कॉन्फिडेंस तो बना रहता ही, प्लस स्पीड भी बहुत फास्ट होता है इस केस में, क्योंकि मुझे सब कुछ मतलब स्टेप्स और आंसर सभी याद रहते। फिर दूसरी गलती की मैंने एंड में मैंने सोचा था कि हर एक सब्जेक्ट को मैं रिवाइज़ करूँगा एक और बार। और इसमें मैंने जो हार्ड सब्जेक्ट थे उनको मतलब एग्ज़ाम से लाइक 5-6 दिन पहले रखे। लाइक मेरे को हार्ड सब्जेक्ट 3 लगते थे, तो 3 सब्जेक्ट के लिए मैंने पर डे रखा। प्रॉब्लम ये हुआ कि 5-6 दिन पहले ही मैं अभी बीमार पड़ गया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो था। और उस केस में मैंने वो बुक्स देख लिए, चाहे उनको मैंने पहले भी 2-3 बार पढ़ा हो, लेकिन वापस से पढ़ना बहुत डर लग रहा था उनको पढ़ना। तो प्लीज़ जो भी आपको सब्जेक्ट्स हार्ड लगे उनको थोड़ा सा लाइक 10-15 दिन पहले ही रिवाइज़ कर लीजिए, और एंड में सिर्फ न्यूमेरिकल देखिए। मैंने सोचा था कि नए सब्जेक्ट है तो याद कम दिन रहेगा, तो फिर मतलब एकदम लेट करूँगा तो रिफ़्रेश रहेगा एकदम माइंड में, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। फिर एग्ज़ाम से टोटल 1 वीक सिर्फ, मतलब आप ऐसा रखिए कि सिर्फ टेस्ट और उनको मतलब हर क्वेश्चन में स्टेप्स कैसे लिखे जाए उन पे ध्यान दीजिए। और ज़्यादा मतलब सब कुछ पढ़ने का ट्राई मत कीजिए, क्योंकि इतना किसी से भी नहीं हो पाता। और अगर आप ज़्यादा पढ़ने जाओगे तो फिर आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब आप सॉल्व करने जाओगे तब आप स्टेप्स या फिर ये सब छोटी छोटी गलतियां कर बैठोगे। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि लास्ट वीक टोटल आप सिर्फ स्टेप्स पे ध्यान दें, और जितना भी करें वो अच्छे से करें, ज़्यादा नहीं करें, कम ही करें, लेकिन अच्छे से करें। फिर और हाँ, एक और चीज़, ये एग्ज़ाम में मीन्स इतना बड़ा सिलेबस है कि आप चाहे टोटल 1 ईयर भी दे दो तो मतलब एंड तक आप उन सब पूरा पढ़ पाओगे, लेकिन उसको अच्छे से मतलब मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा कोई भी मीन्स एक आध और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे जो कि मतलब पूरा कर लेते होंगे, लेकिन वो भी कुछ टॉपिक्स को ऐसे ही साइड में रख लेते हैं, क्योंकि सब कुछ नहीं हो पाता। मेरा यही कहना है कि आईएएस का प्रिपरेशन कभी भी पूरा नहीं होता, और बस जो लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं वो लोग जितने भी टॉपिक करते हैं उनको बहुत अच्छे से करते हैं, ताकि उनका टाइम बच जाता है उस केस में, और वो फिर एक्स्ट्रा टाइम दे पाते हैं जिन टॉपिक्स में उन्होंने उनका अच्छे से पकड़ नहीं है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है।
फिर चलो मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो जरूर आपके कुछ ना कुछ काम आएगा. ओके देन ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर.